तो दोस्तों आज हैं 6 अगस्त और अभी बज रहे हैं 12 और अभी मौसम बन रहा है ऊपर को बारिश का। अभी मैं जा रहा हूँ, एक सर हैं उनको हारमोनियम दिलवानी है, तो अभी मार्केट से हारमोनियम दिलवाता हूँ और ये फ्रेम भी करवा के लाता हूँ जो कि मैंने आज बनाया है, जो पोर्ट्रेट नहीं बनाया था तो उसको मैं फ्रेम भी करवा लाऊँगा, ब्लॉग में डालूँगा, अभी वीडियो डालूँगा कैसे बनाया करके, और देखना आप लोग। मौसम हो गया पूरा ऊपर को ये काला वाला, सब आसमान और ज़मीन सब एक हो गई है। क्या हंस कर रही है? तो दोस्तों अभी सर को हारमोनियम दिलवा रही है। तो फाइनली मैं अब आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊंगा, कैसी लगी बताना आप ज़रूर। बहुत टाइम लगा इसमें, 22 घंटे लग गए मेरे पूरे, और बहुत मेहनत लगी है। अब देखो आप लोग, ये मैंने स्पेशली आली पेंसिल मंगाई थी जो आपको दिखाया था मैंने उसमें, और फिर अब देखो ड्राइंग मेरी। फोटो जो मैंने बनाई है इसमें मेरा बहुत टाइम लगा है, अब देख दिखा दो। कंप्लीट हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं, कमेंट करके बताना और मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं बनवाने के लिए। अब मोनू जी को पसंद आती है नहीं पता नहीं, ये मंजू वाली दीदी ने उनका उनके मतलब मम्मी पापा हैं। अभी फ्रेम लगा दिया भैया ने, ये वाला फ्रेम लगाया, कैसा लग रहा है बताना आप लोग। और भैया की ये शॉप है, तो ये दुकान है भैया की गैस गोदाम के ठीक सामने, पांडे फ्रेमिंग करके। तो भैया ने अभी बहुत बढ़िया फ्रेमिंग करी है मेरे इसकी, तो थैंक यू भैया, वेलकम। जंगल विस्तार रेस्टोरेंट के सामने शॉप है मेरे यहाँ पे, हाँ, किसी भी तरह की फ्रेमिंग करवानी हो तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ठीक ठीक, और भैया बहुत कम प्राइस में मतलब बढ़िया सी फ्रेमिंग कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये है फ्रेम, बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो मज़ा आ गया मतलब ये। अब उनको कैसा लगता है देखते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, टाइम भी लगा रखा था देखने, रात रात जाग कर कितने मेहनत कर, 22 घंटे लगे पूरे, मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। ये देखो, तो हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 1 और अभी तक मैं अपना काम कर रहा था, मंदिर से आ गया था मैं 9:30 बजे, और आज जब मैं हम मंदिर में भजन कर रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो हमने वहीं पे बैठ के मतलब भजन करे, मतलब बारिश का आनंद लेते हुए। और दिन में मैं आज गया था, मैंने आपको सुबह बताया था ब्लॉग स्टार्टिंग करते समय कि मैं हारमोनियम लेने जा रहा हूँ, तो हारमोनियम मैं एक टीचर हैं जो मेरे गांव के स्कूल में है, मतलब अल्मोड़ा साइड में, तो मेरे जो चाचा हैं उनके स्कूल में वो भी पढ़ाते हैं, तो चाचा ने उनको मेरा नंबर दिया हुआ, तो हारमोनियम के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने लेने के लिए कहा, तो आज मैं उनके साथ लेने के लिए गया था, तो उनको बढ़िया सी हारमोनियम दिलवाई, एक ढोलक दिलवाई, बजा के पूरी अच्छे से देखी और उनको बहुत पसंद आई, और बहुत सही प्राइस में उनको हारमोनियम और ढोलक मिल गई। और हमने हारमोनियम और ढोलक ली थी GGIC के बगल में, जो सरस्वती वाला नहीं है म्यूजिक वाला, तो वहाँ से ली वो, क्योंकि मेरे जो जहाँ मैं सीखता था म्यूजिक, तो वो सर की मतलब पहचान में है, काफ़ी सर जितने भी हारमोनियम अभी तक लिए हैं सर ने वो सब वहीं से लेते हैं सर, तो मैंने भी उनको सीधे वहीं ले गया और सर की बात करा दी, तो हारमोनियम सही प्राइस में मिल गया था। और जब मैं यहाँ से जा रहा था घर से, तो मैं वही जो पोर्ट्रेट बनाया था मैंने, तो उसको भी ले गया था, तो वो मैंने गैस गोदाम में जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया वो भैया की दुकान में जाते समय दे गया था मैं उसको फ्रेम करवाने के लिए। और जब वो काम हुआ आधे घंटे में, हारमोनियम ले ली वहाँ से,
तो उसके बाद जब वापस आया तो उन्होंने तब तक फ्रेम वेम करा था, तो फ्रेम मतलब उन्होंने आधे घंटे मतलब 40 मिनट में वो फ्रेम वेम करके मुझे मतलब दे दिया था, और बहुत सही प्राइस में कर दिया था वो भी। तो भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब मैंने जितने भी अभी तक फ्रेम कराए हैं आप ऊपर देख रहे होंगे वाले, तो ये सब उनकी दुकान से करा रखे मैंने। और जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया था उसकी मैंने फ़ोटो दीदी को भेजी, तो उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और दादा लोगों को भी पसंद आया जहाँ मैं मंदिर जाता हूँ, तो मतलब सभी को अच्छा लगा। मतलब एक अंदर से अच्छा लगता है ना कि मतलब अपना बनाया हुआ किसी को अच्छा लगा करके। तो अभी थोड़ी देर पहले तक मैं अपने नोट्स बना रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं ना, अब अगस्त लास्ट तक हो जाएंगे, अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक में मतलब एग्ज़ाम हमारे हो सकते हैं। उससे पहले प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में कुछ मतलब ज़्यादा होता नहीं है, हमको बनाना पड़ता है बस, और थ्योरी का है मेन, वो पास करना ज़रूरी है। और उससे पहले हमारा शायद इन्वायरमेंट का भी पेपर हो सकता है, जो कि एक बार देना पड़ता है ना, उसमें पास होना पड़ता है। मतलब एक बार जैसे कोर्स होता है कोई भी, जैसे हम कोर्स करते हैं तो उसमें एक बार एनवायरनमेंट का पेपर देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज मेरे 900 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो 900 सब्सक्राइबर करने में बहुत मेहनत लग गई है। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, 350 से प्लस वीडियो डाल दी हैं, और अभी 900 हुए हैं, और जल्दी जल्दी 1K कर दो, तो फिर हम 1K में कुछ करेंगे बढ़िया सा, कहीं जाएंगे या कुछ कर लेंगे बढ़िया सा। अगर आप लोगों में से भी कोई किसी के लिए मतलब पोर्ट्रेट या अपना पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो मुझसे आप मतलब कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं वहाँ से देख लूँगा आपने जो कमेंट करा होगा। तो जैसे कोई लोग कभी पोर्ट्रेट बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो सबसे पहले वो पूछते हैं मतलब पैसे पूछते हैं, ठीक ही हुआ, पैसे तो पूछनी चाहिए, लेकिन जैसे पैसे बताए तो फिर बोलते हैं अरे बाप रे इतने ज़्यादा, तो इसको कम कर दो, ऐसे करके बोलते हैं। तो एक बार मैंने एक अंकल के मतलब मम्मी पापा का पोर्ट्रेट बनाया था, तो उनका ऑर्डर आया था मुझे, तो मैंने उनके दोनों बना के मैं उनको दे दिए। मैं उनसे पहले मैंने वो नहीं लिया, मतलब कैश कुछ लिया नहीं पहले, तो उनको मैंने बना के भी दे दिया उनकी, मतलब उनका एक मतलब दुकान है तो वहीं दे के आ गया था मैं। तो उन्होंने आज तक मुझसे पैसे के लिए अभी तक मतलब बोला नहीं, और मैंने भी उनसे कुछ नहीं बोला उसके बाद। तो मतलब सोचना तो चाहिए मतलब एक बार की, मतलब इतना टाइम मेरा भी लगा होगा उसको बनाने में, तो उनको कुछ तो सोचना चाहिए था। तो मंदिर में आज मैंने सोचा था कि भजन रिकॉर्ड करेंगे करके, स्टैंड भी ले गया था वीडियो बनाने के लिए, और अपनी भजन की डायरी भी ले गया था, सारे मतलब इंतजाम करके ले गया था, लेकिन ठीक टाइम पे बारिश आ गई और वहाँ सब गीला गीला हो गया था, तो वीडियो बनाने का हुआ नहीं। तो अब कल को देखूँगा या परसों को देखूँगा, मतलब बनानी है वीडियो भी भजन की भी डालते रहूँगा ना, बीच बीच में सही रहता है वो। जब अपने पास मतलब कभी वीडियो बनाने का टाइम नहीं हुआ, कोई कंटेंट नहीं मिला, या तो बीच में ब्लॉग के बीच में अपने भजन डाल लिए, तो मतलब ठीक रहता है, बैलेंस हो जाता है सब। तो बहुत दिनों से मैं स्टूडियो भी नहीं गया हूँ, तो कल को जाऊँगा, और वहाँ मतलब काम करने का मन जैसा करता है, क्योंकि और लोग भी होते हैं तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कल को हम कुछ नया बनाऊँगा वहाँ, तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना, और ड्राइंग कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।